कोशाम्बी में सांसद रह चुके विनोद सोनकर को दोबारा टिकट दिए जाने के बाद गांव-गांव विरोध होना शुरू हो गया है। यह हम नहीं बल्कि भाजपा के कार्यरत उनके ही सक्रिय कार्यकर्ता कह रहे हैं। ताजा मामला कोशाम्बी जिले के उनो गांव का है, जहां विनोद सोनकर को दोबारा टिकट दिए जाने के बाद गांव के किसानों के साथ भाजपा कार्यकर्ता भी मैदान में उतर आए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन 5 साल पूरे हो गए लेकिन सांसद विनोद सोनकर आज तक गांव नहीं आए। सांसद जी का विरोध किया जा रहा है, जो अभी हमारे गांव में माननीय लाल बहादुर विधायक जी ने शिला भूमि पूजन किया था, ये जो भूमि पूजन हुआ है गलत हुआ है, और एक भाजपा नेता के दबाव में आकर के ग्राम सभा के बिल्कुल नज़दीक नल सरकारी नलकूप लगाया जा रहा है, तो ये गलत है। हम पूरे ग्रामवासी विनोद सोनकर का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा में ना आए, ना हम उनको वोट देंगे। वैसे हम भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हर जगह हम भाजपा के लिए वोट के लिए गांव-गांव बाहर बाहर आते जाते हैं, लेकिन यहां पर सरकारी हम विनोद सोनकर का है, इसलिए गाँव में आने से उनको रोक रहे हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है शारदा प्रसाद मिश्र, क्षेत्र पंचायत सदस्य सुनो।